मिली जानकारी के अनुसार बड़ी खबर आ रही है, पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भर रही विमान जिसमें 185 यात्री सवार थे, बता दें जिसके एक पंख में आग लगने के बाद आज पटना में आपात की स्थिति में उतारना पड़ा है, जिसमें सवार सभी लोगों को अभी फिलहाल सुरक्षित बचा लिया गया है। बता दें स्पाइस जेट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने IANS को बताया कि एयरलाइंस B737-800 विमान पटना से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। टेक ऑफ पर रोटेशन के दौरान चालक दल को इंजन पर एक पक्षी के टकराने का संदेह हुआ। अधिकारी ने बताया कि एहतियाती उपाय और SP के अनुसार कप्तान ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया है और पटना लौटने का फैसला किया। इस पर वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, विमान बिहार राज्य की राजधानी में सुरक्षित रूप से उतार दिया गया है, यात्रियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। विमान उतरने के बाद जाँच में एक पक्षी के टकराने का पता चला, जिसके पंख से 3 ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए हैं। DGCA नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी इस तरह का विवरण साझा करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें दर्शकों ने विमान की वीडियो को जमीन से शूट किया क्योंकि उसके अंग में आग लग गई थी। इतनी दूर से आग दिखाई नहीं दे रही थी, बस धुआं उठता दिखाई दे रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रही हमारे साथ सिर्फ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार।